हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो का अंदर CRT पिक्चर ट्यूब जो है, तो ये जब प्रॉब्लम हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पिक्चर ट्यूब का प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम बहुत कुछ सिम्टम आ सकता है, बट ये वीडियो का अंदर आपको प्रैक्टिकली एक बड़ा सा सिम्टम दिखाऊंगा। बट दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए ये वीडियो का लास्ट में मैं एक वीडियो दे दूँगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसका एक लिंक दे दूंगा। बट आज ये वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, टेस्ट करके चेक करके कि ये वीडियो के अंदर जो पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम है कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू से लास्ट तक आप वॉच कीजिए। इसका फिलामेंट जल रहा है, इसका फिलामेंट ओके है, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर देखूंगा। बट इसका पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम है, किस तरह प्रॉब्लम है, चलिए मैं वीडियो पर ले चलता हूँ। हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर जो देखाऊंगा कि देखिए, ये जो टीवी है ये 15 इंची CRT मॉनिटर का ये पिक्चर ट्यूब है और इसका अंदर एक चाइना PCB इंस्टॉल है जो लोकल PCB है। तो ये जो PCB ये थोड़ा रिपेयर किया, क्योंकि ये जो दो वायर है, एक फिलामेंट का और एक 180 वोल्ट का, तो ये पोजीशन फायरिंग था नीचे, ये कट करके मैं अलग सा ये डायरेक्ट लगाया। और इसका एक मेन प्रॉब्लम है कि देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए फिलामेंट जल रहा है। आप अच्छा करके देखिए, मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर फिलामेंट जल रहा है, ठीक है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, देखिए लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका ऑडियो वीडियो सब कुछ कनेक्शन करके ही रखा हूँ, इसका जो साउंड बिल्कुल ओके आ रहा है, ठीक है। मैं साउंड को म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो चलिए कुछ वोल्टेज आपको दिखाऊंगा कि लो लाइट प्रॉब्लम जब आएगा तो दोस्तों ज़रूर आपको फिलामेंट सप्लाई चेक करना पड़ेगा। बट दोस्तों, इसका फिलामेंट जल रहा है, ये सप्लाई दिखाने का ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती ये मीटर का अंदर, ये जो मीटर आप देख सकते हो, मैं बताना चाहता हूँ ये मीटर का अंदर AC जो 4 वोल्ट का आसपास EST से जो आउटपुट होता है फिलामेंट सप्लाई, ये मीटर का अंदर शो नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि AC वोल्ट ये मीटर का अंदर चेक नहीं किया जाता है, बट जो फिलामेंट सप्लाई होता है वो ये मीटर का अंदर नहीं शो होता है। तो चलिए मैं आपको एक बार तुमको कन्फर्म करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये AC 200 AC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, ठीक है, मीटर का नेगेटिव पर यहाँ पर मैं कनेक्शन किया। और ये जो पॉइंट है ये फिलामेंट का, देखिए ये फिलामेंट पॉइंट पर देखिए 0 वोल्ट शो हो रहा है। चलिए, ये नेगेटिव हो सकता है, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट भी देखिए 0 ये शो हो रहा है, मतलब AC वोल्ट इसका अंदर शो नहीं हो रहा है ये मीटर का अंदर, मतलब फिलामेंट सप्लाई। तो चलिए मेन कुछ वोल्टेज आपको दिखाऊंगा, DC वोल्ट। देखिए ये मीटर, ये जो 200 DC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, चलिए जो कैथोड वोल्ट, अलग अलग कैथोड पिन पर जो वोल्टेज आना चाहिए मीटर पर, देखिए 100, ये देखिए, ये देखिए 110 वोल्ट का आसपास ये कैथोड वोल्ट, और उसके बाद ये दो फिलामेंट का, उसके बाद ये कैथोड पिन, यहाँ पर वोल्टेज देखिए शो हो रहा है, और उसके बाद ये G2 पिन वोल्टेज, और उसके बाद ये कैथोड पिन, यहाँ पर भी वोल्टेज देखिए शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका कैथोड वोल्ट सब कुछ ओके है, फिलामेंट सप्लाई भी ओके है, बट ये मीटर के अंदर शो नहीं होगा। बट अब देख सकते हो फिलामेंट जल रहा है। तो आपको नो लाइट प्रॉब्लम जब आएगा आपको क्या देखना पड़ेगा, G2 वोल्टेज भी आपको चेक करना पड़ेगा। G2 मतलब ये जो पिन है, ये G2 पिन का साथ एक PF रहता है नेगेटिव का साथ, कभी कभी ये प्रॉब्लम जब प्रॉब्लम हो जाता है, लीकेज हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, नो लाइट प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हो मीटर का अंदर बहुत लो वोल्ट, 14 वोल्ट शो हो रहा है। तो दोस्तों, इतना कम वोल्ट क्यों, चलिए मैं ये बाद में आपको देखूंगा। और उसके बाद ABL लाइन जो है, ABL लाइन का अंदर आपको वोल्टेज एक बार देखना चाहती हूँ। ABL लाइन का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज आप देख सकते हो 4.6 वोल्ट के आसपास, मतलब ABL लाइन का अंदर भी वोल्टेज है। तो ABL लाइन वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा तो नो लाइट प्रॉब्लम आ सकता है। और जो रीज़न है कि पिक्चर ट्यूब के अंदर फिलामेंट नहीं जलेगा तो तभी नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। बट इसका प्रॉब्लम देखिए, ये G2 वोल्टेज ये डाउन है, ये देखिए 13 वोल्ट है। तो आपको ये वोल्टेज आपको अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ESC का नीचे वाला पिन है, ये देखिए, ये जो नीचे वाला पिन,
ये घुमाने का बाद ये वोल्टेज लोअर हाई कर सकते हो। देखिए अभी ये लो कंडीशन पर है, ठीक है। चलिए मैं ये हाई कर देता हूँ। देखिए ये पी सेट घुमा के ये देखिए पूरा फुल कर दिया। फुल करने का बाद भी देखिए लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। और वोल्टेज अभी देखिए यहाँ पर कितना वोल्ट, ये देखिए ओनली 10 वोल्ट 11 वोल्ट इस तरह वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं ये वोल्ट प्रीसेट को मैं पूरा जीरो कर देता हूँ। देखिए अब फॉलो कीजिए, ये देखिए पूरा घुमा के ये देखिए जीरो कर दिया। जीरो करने का बाद चलिए यहाँ पर देखिए जी टू वोल्ट कितना है, ये देखिए जी टू वोल्ट इस तरह है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए स्क्रीन पर लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए आपको सप्लाई ऑफ करके जो दिखाना चाहता हूँ, कभी कभी ये जो पीएफ लीकेज प्रॉब्लम होने का बाद भी हो सकता है। तो ये जो पीएफ है, पीएफ को मैं ओपन कर देता हूँ, क्योंकि इसी तरह ही आपको चेक करना पड़ेगा। मैं एक बार चेक करके देखा और आपको इस टाइम दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों ये पीएफ को मैं यहाँ से ये देखिए ये पिन को ये देखिए आउट कर दिया कि पीएफ लीकेज हो जाएगा तो ये वोल्टेज यहाँ से नेगेटिव पर चला जाएगा, लीकेज का वजह। मैं पीएफ ओपन करके भी आप टेस्ट कर सकते हो। चलिए मैं सप्लाई देखिए, और चलिए ये मैं फुल कर देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। ये देखिए फुल कर दिया। फुल करने का बाद चलिए मैं सप्लाई देखे, सप्लाई दे दिया। सप्लाई दे के दिखाना चाहता हूँ कि फिलर में देखिए अभी जल गया, और जी टू पर वोल्टेज देखिए दोस्तों अभी जी टू पर वोल्टेज कुछ भी शो नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो सप्लाई मैं ऑफ कर देता हूँ। इसका दो रीज़न हो सकता है। चलिए इसका अंदर जी टू का जो वायर है ये कनेक्शन है कि नहीं है ये भी एक बार देखना पड़ेगा। देखिए ओपन किया और देखिए इसका अंदर जी टू का वायर कनेक्शन है, ये वाला जो वायर है देखिए जी टू का वायर कनेक्शन है। तो ये जो प्रॉब्लम नो लाइट प्रॉब्लम कि ईएसटी फॉल्ट हो सकता है, ईएसटी से जो वोल्टेज यहाँ पर आता है ये नहीं आएगा तो, ठीक है, ये नहीं आएगा तो नो लाइट प्रॉब्लम होगा। बट पिक्चर ट्यूब भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पिक्चर ट्यूब का अंदर जो जी टू पिन है ये वोल्टेज पिक्चर ट्यूब का अंदर जाने का बाद ड्रॉप हो जाएगा, मतलब पिक्चर ट्यूब का अंदर कुछ शॉर्ट रहेगा तो, ठीक है, जी टू का जो फंक्शन है शॉर्ट हो जाएगा तो इसी कंडीशन पर भी नो लाइट प्रॉब्लम आ सकता है। तो कन्फर्म कैसे करें कि ये ईएसटी का प्रॉब्लम है क्या या पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बेस को मैं यहाँ पर रखता हूँ। देखिए यहाँ पर रखने का बाद चलिए मैं इसी तरह रखता हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए दिक्कत आ जाता है। तो थोड़ा सा आपको इसी तरह देखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम वेस्टेज हो जाता है दोस्तों, मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर ही रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ही रखता हूँ, और इसी टाइम सप्लाई देख देता हूँ। देखिए इसका सब कुछ कनेक्शन है। सप्लाई देने के बाद चलिए ये सप्लाई दे दिया। देने के बाद आपको मीटर लेके देखना पड़ेगा कि ये जो जी टू का पॉइंट है यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर टच करने का बाद मीटर पर देखिए पूरा जीरो जीरो हो रहा है। चलिए मैं टच करके आपको दिखाता हूँ, मीटर पर फॉलो कीजिए, ये देखिए मतलब वोल्टेज है। तो चलिए 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके एक बार देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों 500 का ऊपर 548 वोल्ट है, ठीक है, मतलब ईएसटी से वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए यहाँ पर मीटर पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर मैं टच करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 548 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब सप्लाई में ऑफ करके आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब ईएसटी से जो ये जो जी टू कार है यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है ये बेस बोर्ड का अंदर, और पिक्चर ट्यूब का अंदर लगाने के बाद वोल्टेज ये ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब ये पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपका कॉन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ, ये जो पीसीबी आप अच्छा करके देख सकते हो, ठीक है, ये सेम पीसीबी मैं अलग से पिक्चर ट्यूब पर लगा के आपको देखूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए
तो दोस्तों ये पीसीबी को मैं पूरा बाहर किया, बाहर करने के बाद मैं अलग सा पिक्चर ट्यूब टेबल पर रखा हूँ और यहाँ पर आपको सामने ही मैं प्रैक्टिकली लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि आपका मन में कुछ भी डाउट ना हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं ये पोजीशन आपको स्किप नहीं करूँगा, पूरा आपको लाइव कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि ये पीछे ये जो पीसीबी है इसका जो ईएसटी कैप फर्स्ट चलिए ईएसटी कैप को मैं लगाऊंगा, ठीक है। लगाने के बाद ये जो बेस बोर्ड है, बेस बोर्ड का जो नेगेटिव फर्स्ट कनेक्शन करूंगा और उसके बाद ये बेस को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये अलग सा मेरा टेस्टिंग पिक्चर ट्यूब है, जो मैं बहुत वीडियो के अंदर ये पिक्चर ट्यूब लेके अलग अलग पीसीबी में टेस्ट करता हूँ। चलिए एसी कॉर्ड में कनेक्शन कर देता हूँ, ये अलग सा एसी कॉर्ड है, ठीक है। चलिए इसका अंदर जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का ये कॉइल कनेक्शन ये कराना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉलो कीजिए, फर्स्ट ये जो हॉरिजेंटल का रेड वायर, ये जो ईएसटी से जो अलग अलग साइड का पॉइंट है, सबसे नीचे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये हॉरिजेंटल का एक पॉइंट है, यहाँ पर मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, ये आप एक बार नोट कीजिए, ठीक है। और वर्टिकल का जो पॉइंट है, यहाँ पर जो नॉर्मल कनेक्शन रहता है, यहाँ पर मैं कनेक्शन कर देता हूँ। मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों कनेक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं है, कभी कभी अलग पिक्चर ट्यूब रखना पड़ेगा कि अलग अलग पीसीबी रिपेयर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह जुगाड़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो पिक्चर ट्यूब मैं जुगाड़ किया, तो दोस्तों ये मोनिटर का पिक्चर ट्यूब है, मैं इसको कन्वर्ट करके ये मोनिटर पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग पिक्चर ट्यूब बनाया। चलिए एसी सप्लाई मैं आपका सामने दे दूंगा, और एसी सप्लाई देने का पहले आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा। कैमरा को मैं मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हो एसी सप्लाई मैं दे दिया। देने के बाद आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए कि लाइट आता है कि नहीं। इसका फिलामेंट जल गया, देखिए दोस्तों इसका लाइट आ गया, इसका नो लाइट प्रॉब्लम था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो ये पिक्चर थोड़ा छोटा लग रहा है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके इसका ऑडियो वीडियो सब कुछ कनेक्शन करके एक बार चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनल इसका ऑडियो वीडियो सब कुछ कनेक्शन किया, अब देख सकते हो इसका पिक्चर सही चल रहा है, ओके चल रहा है, लाइट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं ईएसटी को थोड़ा सा एडजस्टिंग किया, ठीक है, इसका स्क्रीन भी फुल मैं एडजस्ट किया, ठीक है दोस्तों। तो आप खुद ही देखिए कि ये जो प्रॉब्लम आपको जिस तरह आइडेंटिफाई करके दिखाया। अभी दोस्तों वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। बट दोस्तों मैं ये जो मीटर को पहले से ही चेक करके नहीं रखा था, इसलिए इसका जो कॉर्ड है इधर उधर हो गया, तो दोस्तों इसलिए आपका टाइम थोड़ा ये वेस्टेज हो रहा है। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए। दोस्तों तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं वीडियो का अभी मैं काट नहीं करूँगा और आपको लाइव दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। इसलिए मीटर का जो नेगेटिव कॉर्ड है पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव पर कनेक्शन कर रहा है। तो दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट आप पिक्चर ट्यूब का जो क्लैंप है वहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हो, कोई बात नहीं। और जो वोल्टेज आपको चेक करके देखाऊंगा, G2 का वोल्टेज, ठीक है। तो G2 वोल्टेज पहले आपको देखा है कि 12 वोल्ट का आसपास था पिक्चर ट्यूब कनेक्टिंग कंडीशन पर। तो अभी दोस्तों इसी टाइम ये जो PF है, ये PF को मैं कनेक्शन कर दिया, क्योंकि PF ओपन करके भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा। G2 वोल्टेज जब ड्रॉप हो जाएगा तो इसका PF ओके है, G2 PF मैं कनेक्शन कर दिया। अभी इसका जो G2 पिन पर जो वोल्टेज आ रहा है, जो पिक्चर ट्यूब का जो पिन के साथ, ये हाई बता रहा है। चलिए मैं 600 DC को सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पर कितना वोल्ट है देखियो, माय गॉड 328 वोल्ट। बट दोस्तों 250 इसी तरह वोल्टेज आप देख सकते हो। तो दोस्तों ESD एडजस्ट करने के बाद ये वोल्टेज थोड़ा सा हायर लो हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका मन में ये सवाल आ सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आपको कनेक्शन करके देखा है पिक्चर छोटा था, अभी दोस्तों इसका पिक्चर बड़ा हो गया, इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट टाइम मैं ये जो रेड वाला वायर को हॉरिजेंटल का कॉइल का मैं यहाँ पर कनेक्शन किया था, तो अभी मैं ये जो पॉइंट है ये मिडिल पिन पर कनेक्शन किया, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्यों कनेक्शन करना पड़ा, क्योंकि ये जो पिक्चर ट्यूब है, ये पिक्चर ट्यूब के अंदर मैं अलग से चौपर यूज़ किया, ठीक है। बट पहले जो पिक्चर ट्यूब था उसके अंदर इसी तरह चौपर नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो इसका डिफरेंस है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।